हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि ये मूवी आपके मतलब की है नहीं। तो यार प्लीज़ पूरा जरूर चेकआउट किया करो। खैर मूवी का नाम है इरुल। ये एक मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ 1.5 घंटे की है और मूवी मलयालम लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है। ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। खैर मूवी की कहानी शुरू होती है एलेक्स से, जो कि अभी अभी एक राइटर बने और उन्होंने पहली नावल लिखी है जिस नावल का नाम है इरुल। और इरुल का मतलब होता है डार्कनेस, यानी कि अंधकार। खैर एलेक्स की फ्रेंड है अर्चना, जो कि एक लॉयर है। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एलेक्स एक वीकेंड ट्रिप प्लान करता है और वो अर्चना को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन इस ट्रिप में जाने की एक शर्त है कि वो लोग अपने मोबाइल फ़ोन से लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि वो दुनिया से एकदम कटअप, बस वो दोनों ही एक साथ रहेंगे। लेकिन इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, कैसे फात फासिल की एंट्री होती है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मूवी स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी तरह से पिकअप लेती है और जो जो चीज़ें हम लोग देखते ना यार, एक एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि यार अब कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मतलब पूरी तरह से आपको हिला कर रख देगी। लेकिन जैसे जैसे ये मूवी प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे अगर आप लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हो, अगर आप लोग बहुत सारी थ्रिलर मूवीज़ देख चुके हो, तो इसका जो प्लॉट है वो थोड़ा बहुत सिमिलर आपको लगता है। लेकिन फिर भी आप ये इस मूवी को कंटिन्यू करते हो वो इसकी सिनेमेटोग्राफी की वजह से। पूरी की पूरी मूवी ऑलमोस्ट एक रूम में बनाई है, लेकिन जिस तरीके से हर एक सीन को शूट किया है, वो जो कैंडल्स हो या वो जितने भी रूम में जो जो चीज़ें होती है उसकी जो शेडोज थी, मानो वो शेडोज देखकर ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर्स के अलावा ये जो घर में जो चीज़ें वो भी अपने आप में एक कैरेक्टर है और वो एक स्कैरीपन फील होता है। इसके अलावा जो आर्ट डायरेक्शन था, और पर्सनली मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि जो एंड का क्लाइमैक्स है, वहाँ पे जो रेन है, वो जो स्लो मोशन से चीज़ों को शूट किया है, यार सिनेमेटोग्राफी के मामले में बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था। मूवी का BGM बहुत ही शानदार है। जो सस्पेंस वाली फीलिंग होती है ना, वो आप लोग फील कर पाओगे थ्रू आउट द BGM। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। उनमें से जो 2 कैरेक्टर है एलेक्स और अर्चना, उनको बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, या तो आप लोग कह सकते हो कि एटलीस्ट उनके बारे में इतना तो हमको बताया कि हमको पता चलता है कि भाई वो लोग के साथ चल क्या रहा है। लेकिन अगर जो फात फासिल के कैरेक्टर की बात करेंगे, तो उसके कैरेक्टर के बारे में पास से रिलेटेड हमने ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। खैर अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें, तो भाई फात फासिल किसी मूवी में हो और परफॉर्मेंस वो ना करें, ऐसा हो सकता है क्या भाई? थ्रू आउट द मूवी फात फासिल ने जो मैजिकल परफॉर्मेंस दिया, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे, जो उनका बोलने का जो एक तरीका था, बहुत गजब का लगता है। उनकी आंखें बहुत कुछ बोल देती है। और सौबिन साहिर की बात करो तो यार मेरे हिसाब से उनको इस पर्टिकुलर रोल में कास्ट करना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों, बट वो सूटेबल नहीं लग रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया, द वे ही परफॉर्म और उनके कैरेक्टर से रिलेटेड जो जो चीज़ें बताई है, तो कंटिन्यूसली एक हमारा जो माइंड है ना वो यहाँ वहाँ भागता है। तो वो हुआ कैसे? बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, वंडरफुल परफॉर्मेंस। और दर्शना राजेंद्र की बात करो तो भाई उनकी मैंने सेकेंड मूवी देखी आफ्टर सी यू सून, बहुत ही इंप्रेसिव एक्ट्रेस है और अच्छा लगता है उनको देखकर, और वो एक बहुत ही कमाल का काम करती है। और इस मूवी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एकदम टक्कर का काम किया है। मूवी की एडिटिंग की बात करूँगा तो 1.5 घंटे की मूवी होने के बावजूद भी कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ये मूवी थोड़ी सी ड्रैग होती हुई नज़र आती है, और एक ऑडियंस का जो एक कनेक्शन है ना वो टूटता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सर डाउटफुल लगा एडिटिंग को लेकर, लेकिन फिर भी 1.5 घंटे की ही मूवी है, लेकिन शायद हो सकता है कि इसकी जो कहानी है उसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी ये मूवी आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने साथ एंगेज रखती है, ये बहुत ही बड़ी बात है। डायरेक्शन भी मुझे अच्छा लगा, और ओवरऑल देखा जाए तो ये उन मलयालम मूवीज़ में से आती है जो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि यार इस मूवी में एडल्ट सीन कोई भी देखने को नहीं मिला, ना ही कुछ ऐसे वायलेंस के सीन देखने को मिले। तो इस हिसाब से आप लोग चाहो तो ये अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।